नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 22. राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म. द फर्स्ट वन इज 3a प्लस 4b होल क्यूब. 3a प्लस 4b होल क्यूब. और हमारे पास आइडेंटिटी है होल क्यूब के लिए. क्या आइडेंटिटी है? a प्लस b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b. इसी आइडेंटिटी को यूज करेंगे. a यहाँ पे क्या है? 3a, a क्यूब, b है 4b, b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b. सॉल्व करेंगे. 3 क्यूब इज 27, a क्यूब. 4 क्यूब, 4 4s are 16, 4s are 64, b क्यूब. 3 3s are 9, 4s are 36, ab 3a प्लस 4b. नेक्स्ट स्टेप में 27 a क्यूब प्लस 64 b क्यूब प्लस 36 इंटू 3 108 a स्क्वायर b प्लस 36 इंटू 4 144 a b स्क्वायर. सो एक्सपेंड कर दिया हमने. a प्लस b होल क्यूब की आइडेंटिटी यूज की. a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b. a यहाँ पे है 3a और b है 4b. 3 क्यूब इज 27, 4 क्यूब इज 64, 3 3s are 9, 4s are 36, a into b, 36 into 3, 108, a into a square, b as it is, plus 36 into 4, 144, a, b into b is b square. So this is the answer. Now the next is second part, 5p minus 3q whole cube. Next is 5p minus 3q whole cube. अब नेगेटिव के लिए आइडेंटिटी a minus b whole cube, a cube minus b cube minus 3ab into a minus b. अप्लाई करते हैं. a क्या है? 5p a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 ab a माइनस b. 5 क्यूब 125 p क्यूब. 3 क्यूब इज 27 q क्यूब माइनस 3 5s आर 15 इंटू 3 45 p क्यूब 5p माइनस 3q. So 125 p cube minus 27 q cube minus 45 into 5 225 p into p p square q minus minus plus 45 into 3 135 p q into q is q square. तो यहाँ पे हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज की? a minus b whole cube. That is equals to a cube minus b cube minus 3ab into a minus b. a यहाँ पे है 5p और b है 3q. So a cube minus b cube minus 3a into b a minus b. 5 cube is 125, 3 cube is 27, 5 3s are 15 into 3 45 p into q. 45 into 5 225 p into p is p square q. माइनस माइनस प्लस 45 इंटू 3 135 पी क्यू इंटू क्यू इज क्यू स्क्वायर. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23. इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज. फर्स्ट वन इज 104 क्यूब. आपको आइडेंटिटी यूज करके लिखना है. यहाँ पे इसकी पावर है 3, तो इसे हम 104 को 100 प्लस 4 लिख सकते हैं. अब हमारे पास आइडेंटिटी है a प्लस b होल क्यूब के लिए. a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b. a इस केस में क्या है? 100. b है 4 प्लस 3ab a प्लस b.
100 का क्यूब, तो नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 6, 4 क्यूब 64, 4 थ्री सा 1200 इंटू 100 प्लस 4। आप 100 प्लस 4 करोगे 104 को 12 से मल्टीप्लाई करके आपको देखना पड़ेगा, तो इसलिए हम नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई इजी करने के लिए अलग से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मींस 1200 को 100 से किया, 4 जीरोस हो गई, 12 4s आर 4800। अब ऐड कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 12 के पीछे नंबर ऑफ जीरोस है 4, देन 4800, देन 64, 4 6 8 4 2 1 1, सो 1 1 2 4 8 6 4। अगर आप 100 प्लस 4 कर लेते, 104 को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। हमने इजी कैलकुलेशन के लिए 12 को 100 से किया, 1200, दो जीरोस ये भी है, 12 4s आर 48 और नंबर ऑफ जीरोस 2, सभी को ऐड किया 1 1 2 4 8 6 4। तो 104 को हमने स्प्लिट करके लिखा 100 प्लस 4 क्यूब, क्योंकि यहाँ पे पावर थी 3, सो a प्लस b होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, a प्लस b, a है 100 एंड b है 4, वैल्यूज पुट की, सॉल्व किया। नाउ नेक्स्ट सेकेंड पार्ट करते हैं इसी का। सेकेंड पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 23, सेकेंड पार्ट, ट्रिपल लाइन क्यूब। अब हम ट्रिपल लाइन को कैसे लिख सकते हैं, 1000 माइनस 1 होल क्यूब लिख सकते हैं। यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, a माइनस बी, a क्या है 1000, b है 1, माइनस 3ab, a माइनस बी, 1000 का क्यूब, नंबर ऑफ जीरोस है 3, 3 टाइम्स हो गई 9, 3 4 5 6 7 8 9, माइनस 3000, 1000 माइनस 1। अभी आप यहाँ पे चाहे ट्रिपल लाइन राइट कर लो, चाहे ऐसे ही सॉल्व कर ले जैसा हमने प्रीवियस में किया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 नंबर ऑफ जीरोस हो गई 6, माइनस माइनस प्लस 3000। अब प्लस की दो टर्म्स हैं, 1 2 3 4 की हमारे पास दो टर्म्स हैं, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस 3000, 3000001 माइनस करेंगे 1 2 3 4 5 and 3, 10 माइनस 1 9, 9 2 0 0, 10 माइनस 3 9, 9, सो 99 7 00 2 999। तो दो टर्म्स हमारे पास प्लस की थी उन्हें हमने ऐड किया, दो टर्म्स नेगेटिव की थी उन्हें ऐड किया, यहाँ पे पीछे जीरो की जगह वन आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया एंड गेट द आंसर।